हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग स्वागत। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको सिंपल ब्लाउज की नाप यानी टक्स ब्लाउज की नाप और कटिंग। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों लेंथ की लंबाई है, दोस्तों लेंथ की लंबाई है 16 इंच। देखिए दोस्तों लेंथ की लंबाई है 16 इंच, 16 इंच पे निशान लगाएं। कमर है दोस्तों 9.5 इंच। कमर है दोस्तों 9.5 इंच, 9.5 इंच पे निशान लगाएं। अब दोस्तों यहाँ से कमर को मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, दोस्तों शोल्डर नापेंगे। शोल्डर है दोस्तों, दोस्तों शोल्डर है 5.5 का, और गला है दोस्तों, देखिए दोस्तों गला है 2.5 इंच, गला है 2.5 का दोस्तों, गला है 2.5 का। अब दोस्तों गला 2.5 का, आगे गला है दोस्तों 7 इंच, आगे गला है 7 इंच दोस्तों। अब यहाँ से गला को मिला लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से गला को मिला लिए। और फिर दोस्तों यहाँ से 0.5 इंच पे गला की गोलाई बनाएंगे। देखिए दोस्तों गला गुलाई बन गया। अब दोस्तों यहाँ से बगल की यानी बगल की लंबाई नापेंगे। बगल की लंबाई है दोस्तों 5.5 इंच, 5.5 पे निशान लगाएं दोस्तों। दोस्तों छाती है 10 इंच, दोस्तों 10 पे निशान लगाएं। अब दोस्तों कमर को छाती में, देखिए दोस्तों कमर को छाती में मिला लेंगे। देखिए दोस्तों मिला लिए। अब दोस्तों जहाँ से कमर लिए, अब दोस्तों यहाँ से 1 इंच लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से 1 इंच लिए, बढ़ाएं छाती के यहाँ से। और दोस्तों जहाँ से कमर लिए यहाँ से दोस्तों योग पट्टी लेंगे दोस्तों 2.5 और दोस्तों 3 का। देखिए दोस्तों पट्टी 2.5 और 3 का लिए। अब यहाँ से यहाँ इसी प्रकार से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों एक पट्टी मिला लिए, जहाँ से पट्टी लिए दोस्तों वहाँ से 1.5 इंच लेंगे, बढ़ाएंगे कमर के यहाँ से, 1.5 इंच बढ़ाएं दोस्तों। और फिर जहाँ से 1 और 1.5 बढ़ाएं दोस्तों यहाँ से इसी प्रकार से मिला लेंगे। मिला लिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से 0.5 इंच लेंगे और यहाँ से बगल की गोलाई बनाएंगे जहाँ से छाती ली, 0.5 इंच और दोस्तों 1 इंच पे। और छाती है 10 इंच, तो दोस्तों इसकी फिटिंग नाप लेंगे 9 इंच, 9 इंच पे 0.5 इंच पे इस प्रकार से निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ पे भी 0.5 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा लेंगे दोस्तों। अब इसकी गोलाई बनाएंगे यहाँ से दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें टच होते हुए जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ से 0.5 इंच लिए, क्योंकि यहाँ पे गोलाई की फिटिंग बहुत अच्छी बैठेगी इस तरह लेंगे तो। देखिए दोस्तों अब यहाँ से सेप बना लेंगे। यहाँ से मैंने सेप बनाया दोस्तों, सेप बन गया दोस्तों। अब दोस्तों
यहाँ से डेढ़ पे निशान लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे डेढ़ पे मैंने निशान लगाया, निशान लगाए दोस्तों। अब यहाँ से जहाँ से डेढ़ लिए यहाँ से लेके दोस्तों इस प्रकार मिला लेंगे, मिला लिए। फिर दोस्तों यहाँ से एक टेक्स पॉइंट हो गया। फिर दोस्तों टेक्स पॉइंट यहाँ से लेंगे चार। फिर यहाँ से दोस्तों ढाई इंच लेके इसी प्रकार से मिला लेंगे टेक्स पॉइंट को। दोस्तों मिलाएं। अब फिर यहाँ से दोस्तों सवा एक एक इंच पे दोस्तों निशान लगा लेंगे। निशान लगाएं दोस्तों। अब दोस्तों इसको इसमें इस प्रकार से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों मिला लिए। अब दोस्तों यहाँ से भी दो लेंगे टेक्स पॉइंट के लिए। इसके सीधे में आना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों दो पे प्रकार से निशान लगाएं। फिर दोस्तों निशान लगाएं। फिर यहाँ से टेक्स पॉइंट के लिए थोड़ा सा दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा तिरछा लिए। अब दोस्तों ये भी टेक्स पॉइंट हो गया, ये तीन टेक्स पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ से ढाई पे निशान लगाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ढाई पे निशान लगा लिए। देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया दोस्तों। अब यहाँ से गोलाई बनाएंगे जहाँ से एक पट्टी लिए। देखिए दोस्तों हो गया, ये हो गया दोस्तों वो हमारा टेक्स ब्लाउज की नाप। आप इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। देखिए दोस्तों अब कटिंग करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों ये हमारा गला कटिंग हो गया। अब दोस्तों अब कमर के पास से कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों कमर के पास से कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ से डेढ़ लिए हैं, यहाँ से अब कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ से पास से यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब दोस्तों बगल की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों बगल की कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों
अब दोस्तों यहाँ से बगल की कटिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों काश दोस्तों बगल की भी कटिंग देखिए दोस्तों अब बगल की कटिंग हो गई दोस्तों। बगल कटिंग मैंने कर लिया दोस्तों। दोस्तों अब इसके बाद यहाँ से पीछे का पार्ट को निकाल देंगे। देखिए दोस्तों हमारा टैक्स की कटिंग हो रही दोस्तों। अब पीछे के पार्ट को इसी प्रकार से दोस्तों देखिए पीछे के पार्ट को निकाल लें दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आगे का हो गया, ये पीछे का पार्ट हो गया दोस्तों। दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से जो एक लिए और डेढ़ लिए हैं दोस्तों अब यहाँ से कटिंग करेंगे दोस्तों। पीछे के पार्ट को मैंने कट कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से ये जो एक लिए डेढ़ लिए इसको यहाँ से कट कर लगा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा देखिए दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा कट लगा दिए दोस्तों। पीछे के पार्ट को निकाल लिए दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों कट करके पीछे के पार्ट को भी निकाल लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये पीछे के पार्ट को निकाल लिए दोस्तों। अब दोस्तों पीछे के पार्ट को इधर हटा देंगे। अब यहाँ से दोस्तों योग पट्टी को कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से एक पट्टी की हमने कटिंग कर ली टक्स ब्लाउज की दोस्तों। एक पट्टी की कटिंग हो गई दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से ये दोस्तों इस प्रकार से सी लेंगे तो ये अपना बराबर आएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये टैक्स हो गया। अब दोस्तों आगे का ये जो सेब दिए हैं बगल का इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों ये बगल के गुलाई का सेब की कटिंग कर लिए दोस्तों। ये हमारा आगे का कटिंग हो गया दोस्तों। ये अब दोस्तों पीछे का ये जो हमने कट करके निकाला दोस्तों पीछे का, अब यहाँ से जो एक लिए और डेढ़ लिए हैं दोस्तों इसको कट करके निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं भी दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने डेढ़ इंच लिया था। देखिए दोस्तों यहाँ से और यहाँ से एक इंच दोस्तों ये थे। अब यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से मोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों मोड़ के दोस्तों देखिए दोस्तों मोड़ लिए। अब यहाँ से दोस्तों कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से कटिंग कर लिए पीछे पार्ट का। अब दोस्तों
यहाँ से पीछे का पार्ट है जो है, यहाँ से भी 1 इंच की कटिंग कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी 1-1 इंच पे कटिंग कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जो 1 इंच लिए यहाँ से, एक इंच पे कटिंग कर लेंगे, निशान लगाएं दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों कट कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 इंच पे कट हो गया दोस्तों। ये दोस्तों हमारा हो गया टेक्स ब्लाउज की, देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया टेक्स ब्लाउज की नाप और कटिंग दोस्तों, दिखा रही हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा टेक्स ब्लाउज का नाप और कटिंग हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए अब दोस्तों ये हमारा टेक्स वाला। अब दोस्तों इस प्रकार से आस्तीन को भी मैंने कट कर लिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, आस्तीन की भी कटिंग मैंने कर लिया था दोस्तों। यहाँ से लंबाई दोस्तों बंद घड़ी से 10 इंच लिया दोस्तों, और चौड़ाई दोस्तों 9 इंच लिया दोस्तों, और यहाँ से जितना तिरछाई रहेगा यहाँ से 2, यहाँ से 3 दोस्तों, यहाँ से 2, यहाँ से 3 लिए दोस्तों। फिर निशान लगाए कि इसको यहाँ से, देखिए दोस्तों, फिर इसको यहाँ से जितनी गुलाई हमने गुलाई 7.5 पे यहाँ पे फिटिंग नाप लिए दोस्तों, और यहाँ से 2, और यहाँ से जो 3 लिए थे और 2 लिए थे इसमें इस प्रकार से गुलाई बनाए दोस्तों। ये हमारा हो गया आस्तीन की दोस्तों, हमने देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इसको कपड़े पे रख के कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा टेक्स ब्लाउज का कटिंग हो गया। अब इसको अस्तर पे पहले इसकी कटिंग करेंगे साचा को, मैं पूरा आपको दिखा रही हूँ वीडियो में दोस्तों, वीडियो में बने रहें।